बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप सब दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और दोस्तों, जो दोस्त पहली मर्तबा मेरे चैनल के ऊपर आए हैं उन दोस्तों को मैं कहता चलूँ कि प्लीज अली फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन जरूर टैप कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोज भी मिलती रहे। दोस्तों, आप सब लोगों को मैं ये बताता चलूं कि वो कौन था कि प्रोग्राम में अगर आप लोग आप दोस्त हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने जिंदगी के नाकाबिले फरामोश वाकयात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है हमारा और आप लोग इस ईमेल एड्रेस के जरिए अपनी जिंदगी में पेश आने वाले पैरानॉर्मल या नाकाबिले फरामोश वाकयात हमें ईमेल कर सकते हैं ताकि हम आपके वाकयात को भी अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। दोस्तों, चलते हैं आज के वाकये की जानिब, लेकिन जाने से पहले मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि आज का वाकया भी मेरी जिंदगी से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये वाकया हमारे साथ शेयर किया है हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि अब कनाडा के अंदर होते हैं और उन्होंने ये वाकया हमारे साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वाकये की जानिब और मेरे इन दोस्त का नाम मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। मेरे इन दोस्त का नाम है उमर अब्बासी। तो चलें जी, चलते हैं फिर। जी दोस्तों, तो आज का वाक्य कुछ इस तरीके से है कि मेरे भाई बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब ये पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर रहा करते थे और एक कंपनी में जॉब किया करते थे और उस कंपनी से जब इनको छुट्टी हुआ करती थी तो आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका होता था, यही कोई 2 से 3 बजे तक। तो ये रोजाना वहां से अपनी कंपनी से, और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बताने के लिए मना किया है कि मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता। तो बताते हैं कि इनका गुजर इनके घर तक जाते हुए कराची में एक बहुत मशहूर कोई जगह है गोरा कब्रिस्तान के नाम से। जो दोस्त कराची से ताल्लुक रखते हैं वो अच्छे से पहचान गए होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे भाई लिखते हैं कि ये गोरा कब्रिस्तान इनके रस्ते में आया करता था और ये काला पुल एक जगह है वहां पर, उसके साथ ही गोरा कब्रिस्तान है। तो ये वहां से रोजाना गुजरा करते थे रात को कोई 2 से 3 बजे के करीब। ये बताते हैं कि जब ये रात को इस वक्त गुजरा करते थे 2 से 3 बजे के करीब, तो वहां पर गाड़ियां भी ना कोई चलने वाला हिसाब नहीं होता था, इक्का दुक्का कोई गाड़ी गुजर जाया करती थी। तो काफी वीरानगी सी होती थी, काफी वीराना फैला हुआ होता था और सन्नाटा छाया हुआ होता था। कुछ ही फासले पर वो कहते हैं कि एक मोबाइल, पुलिस मोबाइल खड़ी हुआ करती थी जिसकी वजह से वो उनके दिल को थोड़ी सी एक हिम्मत ताकत मिला करती थी उसको देख के, और ये वहां से खैर खैरियत से गुजर जाया करते थे। एक रोज ये बताते हैं कि जब ये काला पुल की जानिब से नीचे से होते हुए गोरे कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे तो ये क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान की दीवार के साथ फुटपाथ पर एक बाबा जी कह लें या एक भिखारी, उन्होंने लिखा कि लग रहा था कि कोई भिखारी हैं जो कि वहां पर लेटे हुए हैं। उस रात थोड़ा से पहले भी इनको खौफ आ रहा था, क्यों? क्योंकि उस दिन चांद भी नहीं निकला हुआ था और बिल्कुल अंधेरी रात थी। गोरा कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए ये बताते हैं कि इनका दिल वैसे भी काफी ज्यादा खौफ आ रहा होता था इनको। इन्होंने जब उन बाबा जी को देखा तो इन्होंने सोचा कि शायद कोई भिखारी होंगे जो कि रात को इस वक्त आराम कर रहे हैं यहां पर। ये उनके पास से जब गुजरने लगे तो इनकी नजर जब उन बाबा जी के ऊपर पड़ी तो ये बताते हैं कि उन बाबा जी की हुलिया काफी ज्यादा खराब सा था,
कपड़े भी निहायत ही अजीब किस्म के उन्होंने खराब से पहने हुए थे और उनकी जो हालत थी वो भी निहायत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया हुआ हो और बहुत मजलूम सी उनकी हालत लग रही थी। बहरहाल ये उनके पास से तेज तेज कदम उठाते हुए गुजर गए। मगर इनका ये कहना है कि एक काम हुआ, जैसे ही मैं उनके पास से गुजरा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सो रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि जब वो वहां से निकलते गए हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ये महसूस हुआ कि वो फौरी तौर पर बाबा जी खड़े हो गए हैं और वो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि बाबा जी इनके पीछे तेज तेज कदमों से चलकर आ रहे हैं। इनको उनसे खौफ सा आया, इन्हें ऐसा लगा कि शायद ये इनसे कोई पैसे वगैरह छीनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अमूमन ये कहते हैं कि इनको अमूमन ऐसा ही होता है कि जो इस हालत के अंदर हजरात होते हैं वो जहनी तौर पर मरीज होते हैं और कभी भी या तो वैसे ही अटैक कर सकते हैं या फिर कराची में हालात वगैरह आए दिन खराब ही रहा करते थे, तो ये कहते हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम भी हो सकता था कि मेरे पास जो पैसे थे वो छीनने की कोशिश की जा सकती थी, मोबाइल छीनने की कोशिश की जा सकती थी। तो इस वजह से वो बार बार उनकी तरफ देख रहे थे और तेज तेज कदम उठाकर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि बाबा जी ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी और फिर अचानक बाबा जी ने इनके ऊपर हमला कर दिया। ये पहले ही चूंकि उनसे काफी ज्यादा घबराए हुए थे तो इन्होंने एक तरफ अपने आप को बचाने के लिए छलांग मारी, लेकिन चूंकि ये हड़बड़ा से गए थे तो ये जमीन पर गिर गए। ये जमीन पर गिरते गए हैं तो ये सॉरी दोस्तों, बाहर कोई चीज गिरी है, कोई आवाज आई है मुझे और वो इतनी शदीद ऐसी लगे जैसे कि कोई चीखा है, लेकिन वो चीख की आवाज नहीं थी। कहीं पर जंग आलू दरवाजा के साथ कोई किसी बच्चे ने कुछ किया हो या जो भी, तो मैं माजरा चाहता हूं। हाँ जी, तो वो ये बताते हैं कि कुछ इस तरीके से हुआ कि ये नीचे गिरते गए हैं तो ये क्या देखते हैं कि अब वो बाबा जी जो हैं उन्होंने दोनों हाथ खोल दिए और इनके ऊपर झपट्टा मारा। इन्होंने एक तरफ रोल होकर अपने आप को बचाया और उठकर बहुत बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया पुलिस मोबाइल की जानिब। ये पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाए और तेजी से दौड़ते हुए पुलिस मोबाइल तक पहुंचे अपने आप को बचाने की खातिर, क्योंकि इनको अब ये लग रहा था कि जो मेरा शक था वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये मेरे ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं कि मुझे लूट सके। पुलिस मोबाइल के पास पहुंचते हैं और पहुंचते साथ ही पुलिस मोबाइल वालों से कहते हैं कि मुझे बचाएं, मेरे पीछे एक शख्स पड़ा हुआ है। पुलिस मोबाइल वाले इनको कहते हैं कि कौन सा शख्स, हम बहुत देर से आप ही को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम आप ही पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है कि इस वक्त जो भी शख्स इस सड़क पर चलता हुआ आता है तो हमें वो मशकूक लगता है, तो आप बहुत दूर से चले आ रहे थे और आप अकेले चले आ रहे हैं तो हम तो आपको ही देख रहे थे क्योंकि हमें आप पे शक हो रहा था, तो आप कौन से शख्स की बात करते हैं।
ये भाई कहते हैं कि मैंने पुलिस वालों से कहा कि भाई वहां पर फुटपाथ के ऊपर एक बाबा जी लेटे हुए थे और जो मेरे साथ उनके साथ जो वाकयात हुए उन्होंने वो सारे वाकयात उस पुलिस वाले को बताए। पुलिस वाले कहते हैं या देखें हमारा दिमाग खराब मत करें। ये बिल्कुल उन्होंने यही लिखा है कि पुलिस वालों ने बिल्कुल इसी अंदाज से बात की कि हमारा दिमाग खराब मत करें, आप अकेले आ रहे थे, आपके पास कोई भी नहीं था, एक तो रात के इस वक्त आप पैदल इस जगह से गुजर रहे हैं और ऊपर से आप हमारे साथ बहस कर रहे हैं, यहां से चले जाएं, नहीं तो हम आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये लिखते हैं कि मेरी काफी ज्यादा बहस होगी उस पुलिस वाले से, मैंने कहा कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। पुलिस वाला उनके कहने के ऊपर उनके साथ उस जगह तक गया, गोरख कब्रिस्तान की उस दीवार उस पॉइंट तक जहां पर इनके साथ ये वाकया आया था, लेकिन इनकी हैरत की तब इंतहा ना रही कि वाकई में वहां पर किसी शख्स का नामो निशान नहीं था। और जितनी देर के अंदर ये वाकया हुआ था इस दौरान कोई भी शख्स कहीं दूर भाग नहीं सकता था, अगर भागता भी तो दूर जाता हुआ नजर आ जाता। और इनके मुताबिक उन बाबा जी की जो उम्र थी, जो हालत थी, वो दीवार भी फलांगने की काबिलियत नहीं रखते थे, तो वो दीवार फलांग कर अंदर भी नहीं कूद सकते थे। और जैसे पुलिस कह रही थी कि उनको तो कोई बंदा नजर ही नहीं आया वहां पर, ना फुटपाथ पर लेटा हुआ, ना उनके अलावा उस जगह पर कोई और शख्स। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मतलब उससे ये निकला कि आखिर वो शख्स इसका मतलब इंसान ना था, और जो डर मुझे हमेशा लगा करता था वहां से गुजरते हुए गोरा कब्रिस्तान के पास से, शायद वो कोई और ही मखलूक थी जिसने इनको वहां से गुजरते हुए तंग करने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो आप ही बता सकते हैं कि आखिर वो कौन था। जी दोस्तों, तो आपने आज का वाकया सुना, अब आप दोस्त बताइए कि आखिर वो कौन था। मेरे भाई उमर जो हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी का ये वाकया जिस तरीके से हमारे साथ शेयर किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप सब दोस्त भी अपनी जिंदगी के नाकाबले फरामोश वाकयात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त हमारा ईमेल एड्रेस मौजूद है, और आप लोग भी इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें अपनी ईमेल्स भेज सकते हैं, जिसको हम बिल्कुल जरूर अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल अली फ्लिक्स को अगर अभी तक आप दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंच सके। मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, और इंशाल्लाह ताला अगले वेडनेसडे को सेम टाइम 8 PM आप दोस्तों की खिदमत में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।